बिटकॉइन को क्रैश होते हुए आज एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया है। लगातार बिटकॉइन का प्राइस डाउन जाता जा रहा है और मार्केट में एक नेगेटिविटी फैली हुई है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच मार्केट ने बिटकॉइन ने अपने मेजर सपोर्ट यानी $28,000 को भी ब्रेकआउट कर दिया, जिसके बाद मार्केट को यहाँ पर सीधा $16,000 पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच आपको बता दें कि शिबा इनू ने भी अपना एक मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया है, जिसके बाद यहाँ पर एक और डंप हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशंस में करा क्या जाए, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो गंवाने का डर है। इन्हीं सारी चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट की क्विक अपडेट देते हैं तो आपको बता दें कि बिटकॉइन के प्राइस में लगातार एक डाउन हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच बिटकॉइन ने अपने मेजर सपोर्ट लेवल यानी $28,000 को भी ब्रेकआउट कर दिया है, जिसके बाद मार्केट करंटली अभी $27,000 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में यहाँ पर खतरे की बात ये है कि यहाँ से बिटकॉइन का कोई सपोर्ट लेवल नहीं बनता। अगर मार्केट यहाँ से 27 से भी नीचे जाती है तो मार्केट का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो सीधा यहाँ पर $16,000 का बनता है, जो जिसकी वजह से मेन लोग यहां पर एक पैनिक में आ चुके हैं और एक फियर मार्केट में फैल चुका है। मार्केट में एक नेगेटिविटी फैली हुई है और करंटली मार्केट बायर्स की बन चुकी है, क्योंकि यहां पर आपको खरीदने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। करंटली जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर बिटकॉइन का प्राइस लगातार क्रैश होता हुआ हमें यहां पर नजर आ रहा है। एक बड़ी रेड कैंडल यहां पर बनती हुई हमें दिख रही है, जिसकी वजह से ये साफ होता है कि मार्केट में इस समय पैनिक आ चुकी है और लोग यहां पर पैनिक में आके सेल कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि शिबा इनू को लेके, जैसे कि हमने टेरा लूना में कल देखने को मिला था कि टेरा लूना में भी हमें एक फॉल देखने को मिला था, जिसके कारण लोगों ने यहां पर अपना काफी सारा पैसा गवाया भी और बहुत से लोगों ने यहां पर अपॉर्चुनिटी भी उठाई इस चीज की, यहां पर बाय करने का। ऐसे ही आपको बता दें कि जैसा टेरा लूना के साथ हुआ वैसा ही शिबा इनू के साथ यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर शिबा इनू का प्राइस भी लगातार यहाँ पर डाउन जाता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिबा इनू ने हमें एक अच्छी रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार डाउन हमें शिबा इनू के प्राइस में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि शिबा इनू ने यहाँ से एक अपने मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, जिसके बाद मार्केट में इसका प्राइस और डाउन जाने की उम्मीद की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सपोर्ट लेवल शिबा इनू के यहाँ पर बना हुआ था वो 2000 सतोशीज का था, उसको भी यहाँ पर शिबा इनू ने ब्रेक कर दिया, जिसके बाद यहां से सीधा शिबा इनू का अगर यहां पर प्राइस जाने की उम्मीद की जा सकती है तो यहां पर वो 600 सतोशीज तक हो सकता है। बहरहाल ऐसे में आपको बता दें कि शिबा इनू को बाय करने की ये एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है जिसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर इस कॉइन ने किया क्या है, क्योंकि इसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को लाखों करोड़ों का प्रॉफिट यहां से दिया है। तो यहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी शिबा इनू का प्राइस यहां पर हमें देख सकता है। वहीं दूसरी और लगातार बिटकॉइन का प्राइस भी जैसे डाउन जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए कि अगर आपके पास फंड है तो पहले तो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट यहां से किस तरीके से मूव कर रही है। मार्केट एक बार अच्छे मूव में आ जाए उसके बाद हमें यहां पर थोड़ी बाइंग वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप हर डिप में आपको बाय करनी है, आप ऐसा बना के चलिए सपोज बिटकॉइन यहां से अगर $16,000 पर चले जाता है तो वहां पर भी आपको बाइंग करनी है। उसके बाद अगर आपने अपना सारा अमाउंट लगा दिया है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद मार्केट डाउन जाए या अप जाए, आप बस वेट करोगे अपने प्रॉफिट का। जैसे ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा, चाहे वो 2024 में बने या 23 में बने, तब तक का आपको पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा। बहरहाल ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से बिटकॉइन ज़्यादा डाउन ना जाए और थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रिकवर कर जाए, जिससे कि ऑल्ट्स कॉइन जो है इस समय ब्लीड कर रहे हैं, तो ऐसा उन ऑल्ट्स कॉइन के साथ ना हो। वहीं टेरा लूना की बात की जाए तो टेरा लूना भी अभी बीच में इसने थोड़ी रिकवर भी करी थी मार्केट, लेकिन दोबारा वहीं $0.3 पर आ चुका है। ऐसे में ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा यहां से मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। फिलहाल मार्केट में एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, जिसके कारण बायर्स यहां पर लगातार सेल कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए फॉलो करें थिंक अबाउट क्रिप्टो को।